डियर स्टूडेंट, यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरएस अग्रवाल नंबर सिस्टम एमसीक्यू कंप्लीट सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल 82 से भी अबव क्वेश्चन है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये है एमसीक्यू, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी लॉजिक है कैलकुलेशन की उतनी कोई जरूरत होती नहीं, तो फटाफट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 40 मिनट्स के अंदर 82 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे एमसीक्यू छोड़ देते हैं, लेकिन आप मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और आपका जो भी कॉम्पिटिशन होता है उसमें एमसीक्यू ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जीरो जो है आपका एक रैशनल नंबर है, तो जीरो इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो बोलेंगे बाकी सब आप क्यों नहीं देखे, 1+√3 पाई है, 2+√3 उसका चर्चा ही नहीं किया, डायरेक्ट जीरो को टिक कर दिए। देखो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें से कोई भी एक ही सही होगा, है ना। तो मैं चारों ऑप्शन देखा तो मेरा नजर जीरो पे रुक गया, मैं समझ गया कि जीरो तो है ये रैशनल नंबर, तो फिर आगे करने का क्या मतलब निकलता है जब मुझे एक ही तो चुनना है, तो चुन लो डायरेक्ट, टाइम कम लगाना, इसलिए मैं फटाफट करूंगा। ध्यान दो, -3 करा है, इरेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 क्या होगा, देखो जीरो होगा साफ है, क्यों होगा आपको ऑलरेडी पता होगा, एक बार में देखो समझ आ जाएगा। करा है 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 5/3, इसमें तो पता लगाना मुश्किल है, तो एक बार में आंसर तो नहीं करूंगा, ये मत सोचिएगा मैं आंसर देके टिक करते जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ नीचे में 3 है, तो नीचे में यहाँ 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, ठीक ना। तो मुझे पहले 3 वाला देख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि तब अच्छा से पता चलेगा। तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन कहा 2/3 और 5/3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे देखो 2/3 को 2/3 ही लिख दिया, तो गारंटी है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बीच वाला था ही नहीं। ध्यान दो, चलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। अब जरा सोचो यहाँ पे 3 है और सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है, जो सिंप्लीफाई होके 2 नीचे बच जाए ऐसा हो नहीं रहा, तो ये भी गलत है सरासर, ठीक। तो बचा 2 ऑप्शन, दोनों में देखोगे क्या 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग ने क्या किया, जो 2/3 था उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/6। ओके, ध्यान दो, अब यहाँ पे 5/3 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 10/6 आया। अब ध्यान दो कि दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा, तो 4 और 10 के बीच में क्या आता है 5 और 7, तो यही आपका करेक्ट आंसर, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ रहा बात। आगे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अच्छे से पता है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया हूं, ठीक ना। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा डेली लेक्चर सीरीज जरूर देखें। ओके, और वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो आपको लास्ट में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ट्रिक्स जो है मेरा वो आप जरूर विजिट करिएगा। ध्यान दो, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्या, ध्यान दो कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, कौन सा रैशनल नंबर है। देखो मैं चारों ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ाता हूँ और मुझे पूछ रहा है रैशनल नंबर, तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ कि 225 जो है एक रैशनल नंबर है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कैसे ये रैशनल नंबर है, तो बच्चों ये 15 का स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए, किसका स्क्वायर है 15 का, याद रखना 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, और कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आगे कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज, हर एक रैशनल नंबर क्या होता है, तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, आपको पता है ना कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, तो रियल नंबर तो होगा ही होगा। आगे है कि बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर, पहला ऑप्शन क्या है इज नो रैशनल नंबर, नहीं, 2 रैशनल नंबर के बीच कितना रैशनल नंबर होता है, इनफिनाइट, तो नो का तो बात ही नहीं उठता। इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, नहीं, एक से ज्यादा होता है। इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बहुत सारा रैशनल नंबर होता है। अब मैं डी ऑप्शन पढ़ूंगा आप ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ूंगा आपको पता है, क्योंकि एक ही सही है, एक तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा ही दिया, तो आगे पढ़ने से इनको क्या फायदा, मुझे तो जल्दी करना है एमसीक्यू, मतलब जल्दी करना ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज,
रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है, पता है ना? इसमें कह रहा है ऑलवेज टर्मिनेटिंग, नहीं, बहुत बार रैकरिंग भी होता है, रैकरिंग होता है रिपीट करते रहता है, ऐसा भी होता है, तो गलत है। इधर टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, रैकरिंग नहीं लिखे रिपीटिंग लिखा, ये भी सही है। करा या तो टर्मिनेटिंग होगा मतलब इंड कर जाएगा या रिपीट करेगा, तो बी आपका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो इस बार रेशनल नहीं इरेशनल, इरेशनल का पता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको नीदर भी बोलते हैं, और ना ही कभी रिपीट करता है, क्योंकि इसमें बार बार वन आया तो अगला बार वन दो वो आ जाएगा, तीन वो आ जाएगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा, पता है ना? तो ये हो जाएगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ये तो गलत है। पढ़ते चलते हैं वन बाय वन। इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं है, रेशनल नंबर के साथ होता है। इधर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है, तो टर्मिनेटिंग वाला तो होगा ही। हाँ, नीदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, हाँ ये हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव। देखो यहाँ बहुत कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको ऑलरेडी मालूम है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करता है, तो ऐसा पहले तो खत्म कर दो तो टर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ आप देखो ये टर्मिनेट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, मुझे तो पता लगाना जो नहीं होता है ना। तो देखो यहाँ पे भी देखोगे 28 के नीचे बार लगा है, मतलब कि ये रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर है, जान दो, ये भी नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर है, तो होगा क्या, ऑप्शन डी। क्यों होगा अब ये भी बता देता हूँ, होगा क्यों, लास्ट में यही बचा तो होगा, लेकिन कारण भी बता दे रहा हूँ। यहाँ 1-0 है, यहाँ 2-0 है, यहाँ 3-0 है, मतलब जीरो का अमाउंट बार बार बढ़ रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा। दूसरा बात, खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डॉट डॉट है, दिख रहा है आपको। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, तो जो टर्मिनेट कर रहा। देखो रेशनल नंबर मतलब जो खत्म ना, मतलब डॉट 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 अंत में होना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं पहला। ठीक, यहाँ गलती से बी कर दिया है, बुक में भी आपका मिस्टेक होगा तो इसको एक कर देना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ध्यान दो, तो 3.141414, लेकिन ये तो रिपीट कर रहा है, रिपीट तो इरेशनल नहीं, रैशनल होता है, पता है ना। तब ध्यान दो आगे, आगे ध्यान दो कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4444 ये भी रिपीट कर रहा है, ये इरेशनल नहीं रैशनल है, इरेशनल बच्चा लास्ट में ये, और इसका रीजन भी दे देता हूँ कि यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे दो वन आ गया, यहाँ पे तीन वन आ गया, मतलब वन का अमाउंट बार बार बढ़ रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं फटाफट, टाइम कम है और हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है, पता है ना, 82 क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19, तो नीचे में 19 है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नीचे 19 नजर आ ही नहीं रहा, तो हमको इक्विवेलेंट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो कोई 19 के टेबल में आ जाएगा, तो 19 टेबल में 119 तो आता नहीं, तो ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि टेबल वाला ही होगा इक्विवेलेंट में, याद रखना, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेक्चर विजिट कर लेना अगर दिक्कत हो रहा है तो। अब 19 टेबल कितना बार पढ़े, 57 है, 3 बार, तो चलिए 3 बार पढ़ के देखते हैं। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 93 57 तो आ गया, तो ऊपर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 73 क्या होता है, 21, क्या होता है, 21, तो आपको 21 दिख रहा है इसमें, एक मिनट, 21 दिख रहा है, यहाँ पे 14 है, तो 21/57 होगा, तब हो भी सकता है, तो मुझे दिख गया 21/57, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, समझ आया बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन। चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। ये जो क्वेश्चन है, सब बच्चे, बाकी सब बच्चे, अगर देखो आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन बाकी सबको, तो जो मुझसे नहीं पढ़ता वो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट बनाएगा, लेकिन आप देखो 1 सेकंड में बताता हूँ। देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक, और दोनों के बीच में क्या लिखना है, रैशनल नंबर जो कि नहीं आए, पता है ना, कोई भी दो रैशनल नंबर, दो माइनस के बीच में रैशनल नंबर जो भी आएगा वो माइनस ही हो, है ना, याद रखो, माइनस के बीच में रैशनल नंबर जो भी आएगा माइनस नहीं होगा, और नहीं वही होगा जो प्लस में होगा। तो मुझे देखो एक डायरेक्ट प्लस वाला नजर आ गया, प्लस वाला मार दिया। अब बोलिए सर प्लस माइनस वाला क्यों करके बनाए, और भी तो कोई तरीका हो सकता है। देखो बाबू एमसीक्यू है और इसमें मुझे एक प्लस वाला दिखा, बाकी सब मुझे माइनस वाला दिखा, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे जो नहीं है वो चूज करना है, तो
प्लस वाला होगा डायरेक्ट मारना है, जल्दी करना है, ओके ध्यान दो। करा पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, आपको अच्छे से मालूम है। रूट टू क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा पता है नहीं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकनिंग, जो कभी रिपीट ना करे और ना ही कोई खत्म हो। ठीक, चलिए आगे चलते 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं देखो समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं क्विक बनाते चल रहा हूँ, मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ। करा विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर वही होता है कि अंडर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। मुझे पहला ऑप्शन ही मैं जब देखा तो 23 मिल गया, और मुझे पता है कि 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट टिक कर दिया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, भूलो मत। अब करा 17/7 में कितना डिजिट जो है वो रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग कितना कर रहा है वो बताना है, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं कैलकुलेटर ला दे रहा हूँ, डोंट वरी, आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके ध्यान दो। तो यहां मुझे क्या कर रहा है, 17/7, तो चलिए करते हैं इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, 2.428.5714। देखो यहां पे 4 यहां फिर से आ रहा है, दिख रहे हो ना, 4 2 8 5 7 1 के बाद 4 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कहां तक कर रहा है ये मुझे पूछ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 के बाद रिपीट स्टार्ट हो रहा है, तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो रिपीट मेरा 6 डिजिट कर रहा है, तो ये 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझ आ रहा बात, ध्यान दो। अब कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, देखो इसी क्वेश्चन को बाकी दोगे जल्दी बनाएगा, मतलब आपसे जल्दी नहीं बनाएगा, मतलब लेट कर देगा। देखो क्यों, क्योंकि मैं एक चार चारों ऑप्शन को देखता हूँ, एक में 4/9 है, ये है, ये है, ये मुझे पूछ रहा है इरेशनल, और मुझे पता है रूट के अंदर इरेशनल वही होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, और 8DC का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है कि 1/1 चलिए ना, अरे भाई MCQ है, और एग्जाम में अगर ऐसे बनाओगे ना काफी टाइम लग जाएगा, कॉम्पिटिशन भी से मैं बता रहा हूँ, ओके। तो रूट 8 मुझे दिख गया कि रैशनल है, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट किया। आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, ध्यान दो, दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा कर रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से पता है चांस 2 बनता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। पहला कहा कि इरेशनल होगा, गलत। दूसरा कह रहा है ऑलवेज रैशनल, ये भी गलत, क्योंकि दोनों हो सकता है। इंटीजर गलत, समटाइम रैशनल एंड समटाइम इरेशनल, ये सही है, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ध्यान दो। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, पहला द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, हम पढ़ चुके हैं कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, अच्छे से पढ़े हैं टेबल बना के, और आपको मैं नोट भी दिया हूँ जो कि और कहीं मिलने वाला है नहीं, इसका मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ध्यान दो। करा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों चांस बनता है इसमें, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल प्लस इरेशनल आता है। एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल और इरेशनल, हाँ ये सही है, रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। करा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सही है, तो पता है पाई जो है रैशनल है, सॉरी पाई इरेशनल है, 22/7 क्या है, रैशनल, ये बात तो साफ है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको मैं ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ कि कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चे का, मैं इसे अलग से क्लियर करा रहा हूँ एक टॉपिक को लेके, सो प्लीज वॉच माय वीडियो, ओके सीरीज, ध्यान दो। आगे देखो क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 का वैल्यू क्या होता है और √3 का वैल्यू क्या होता है, दोनों देखो √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है, तो √2 और √3 का वैल्यू तो खत्म तो होगा नहीं, लेकिन हम अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्स में √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.41 और √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 1.6 जो टर्मिनेट भी कर रहा है, ठीक, तो ये रैशनल नंबर है, समझो कैसे बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ऐसे ही भी आपको ही बनाना है, कोई मैं ये नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, अगर ऐसा आएगा तो नंबर मिलेगा आपको, कोई भी एग्जाम होता है CBSE का तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको नहीं, नहीं कहता है कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाओ, ओके ध्यान दो। आगे देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर है, साफ पता है √5 इरेशनल है, पाई इरेशनल है, तो यहाँ आते हैं 0.10100, देखो 0 का अमाउंट बार बार बढ़ा रहा है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये रैशनल है, तो रैशनल हो गया डी, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 853 और 853 रिपीट करते चल रहा है, ठीक, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे करा द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर,
रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो आपको अच्छे से पता है कि इरेशनल नंबर ही आने वाला है, तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट, द वैल्यू ऑफ 0.2 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अरे इसका तो मैं इजी ट्रिक ही बता दी आपको, जो एक मिनट बनाएगा, देखो क्या समझ आएगा, क्या मुझे क्या कर रहा था 0.2, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ध्यान दो उसके ऊपर लगा हुआ है बार। ओके, तो 0.2 को क्या करना है, पहले तो 2 को 2 लिख देना है, यहाँ देखो 2 को 2 लिख दिया, वेरी गुड। अब देखो कितना डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है जो कि सिर्फ 2 है, तो आपको लिखना है 19, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, एक 19 लिखना है। ठीक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 2/9। तो 2/9 आपको कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, यहाँ बी 2/9, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो 26 नंबर करते हैं, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इस बार कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे 1b है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ाता हूँ स्टेप बाय स्टेप समझा पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे 1.6 के ऊपर बार है, तो देखो सब चीज भूल जाओ, डेसिमल भी भूल जाओ, बार जो ऊपर लगा हुआ है उसको भी भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है 16, तो 16 का यहाँ पे क्या लिख देना, आपको 16 लिख दिया। अब देखो कितना डिजिट के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो नीचे जितना डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है उतना ही 9 हमको लिखना रहता है, 1 है तो 19 लिख दिए। ठीक, बराबर। अब देखो, अब देखना रहता है कि कौन सा डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 1 है, कौन है 1, देखो कौन है 1, तो 1 को क्या कर देना है माइनस, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हो उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 16 1 गया 15 और नीचे 9 काटोगे 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पे सी इज योर करेक्ट ऑप्शन 5/3। फिर 0.54 के ऊपर बार है, इसमें भी वही काम करना है, 54 के ऊपर बार है तो सबको भूल जाओ, 54 समझो, 54 के ऊपर क्या है 2 बार, मतलब 2 डिजिट पर बार है, तो 54 के नीचे क्या लिखेंगे 2 9, जितना बार रहे उतना 9। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे 54 था लिख दिया 99, कैसे लिखा पता है ना, 54 सब चीज भूल गया, 54 का 54 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो 2/9 यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखो जो कट रहा है तो काटना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, काटना मतलब सिंप्लीफाई करना, ठीक ना, समझो बात को, यानी चाकू से काटना है, ठीक ना, चलो। तो यहाँ से 9 के टेबल में कटेगा और ये 9 के टेबल में कटेगा, दोनों देख सकते हो, 9 टेबल 6 बार में 54, 9 टेबल 6 बार 9 टेबल 11 बार में 199। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 6/11 इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करना है, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, करना क्या है चलिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो ध्यान दो, पहले क्या ध्यान देना है, एक मिनट, 0.32 है, ठीक, तो आपको करना क्या है, सबको भूल जाना है और समझना है 32, क्या समझना है, समझना है 32, तो यहाँ पे समझ लिए 32/90, ध्यान दो, समझो 32 का 32 यहाँ पे मैं लिखा 1 1, एक स्टेप बताऊंगा। ठीक, नीचे क्या किया 1 9 लिखा, 1 9 क्यों, क्योंकि एक के ऊपर बार लगा हुआ है। अब बोलोगे जीरो क्यों लिखा, जीरो का तो कोई नियम बताया नहीं, ध्यान दो, जीरो कब लिखते हैं जब डेसिमल छोड़ा हुआ रहता है, देखो पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार नहीं है, पॉइंट के बाद मुझे 3 को छोड़ दिया, तो 3 को छोड़ा मतलब एक को छोड़ा, तो पॉइंट के बाद जितना को छोड़ेगा उतना जीरो देंगे, क्योंकि 3 को छोड़ के तब जाके 2 के ऊपर बार है, तो 1 0 दिए, याद रखना 90 हो गया। अब 32 लिख दिया, कौन सा डिजिट को छोड़ा, तो यहाँ पे ये 3 को छोड़ा, तो आपको 3 को माइनस करना रहेगा, ठीक ना, 32-3 29/90, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो ये सी इज योर करेक्ट। ओके, उसी तरह डी का करते हैं, यहाँ पे सॉरी 29 का, तो यहाँ पे देखो मैं किया हूँ 123-2 है, देखो 123 जो है वही लिखा, ठीक, अब नीचे देखो 9 लिखा 2 0 दिया, 2 0 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट को छोड़ के तीसरे के ऊपर बार है, तो इसलिए 2 0 देना होता है। ओके, ध्यान दो, अब क्या करना है कि मेरा 12 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको माइनस करना रहता है, 12 को मैं माइनस कर दिया तो 111 आ गया बाई 900। अब क्या है कि ये 111 3 के टेबल में आता है 37 बार में, डिवीजन रूल मालूम होगा पता ही होना चाहिए आपको, 900 जो है 3 के टेबल में 300 बार में आता है, तो 37/300 ऑप्शन, तो 30 यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, तो यहाँ पे मैं डी को मार्क कर दिया हूँ, समझ आया क्यों, क्योंकि मुझे 37/300 आया। ठीक, आगे चलते हैं, करा एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, कोई भी दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे आता है, तो अंडर रूट के अंदर उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ध्यान दो। आगे है कि एन इरेशनल नंबर, ध्यान दो, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, दो √2 और √3 के बीच इरेशनल नंबर क्या होगा पता है ना, अंडर रूट करके जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई करना रहता है, ध्यान दो,
अंडर रूट करके मैं वही काम किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रूट करके रूट टू रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आके आ जाएगा रूट अंडर रूट रूट सिक्स, रूट के अंदर रूट आ जाएगा। मैं सोचा आपको रूट को 1/2 लिख देता हूँ, तो 6 का पावर 1/2 क्योंकि रूट सिक्स के लिए, तो 6 पावर 1/2 हो गया। अब इसके ऊपर भी रूट है देख सकते हो, तो उसका भी पावर 1/2 लिखना होगा, यहाँ पे 1/2। अब ये 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा, तो 6 का पावर 1/4 इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज योर आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं, समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो क्वेश्चन कर रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 2/7, सिंपल तो है अभी तो दो क्वेश्चन कर लिए, अंडर रूट अंडर लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया सी। ओके आगे कह रहा है 0.3 0.4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो देखो 0.3 को हम लोग अगर बार है ना ऊपर में, तो इसको पहले तो रैशनल फॉर्म में करना होगा, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में करना होगा, एक्चुअली में तो रैशनल है ही लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे 3/9 आएगा, कैसे आएगा आपको ऑलरेडी पता है। 0.4 को बार करेंगे तो 4/9 होगा, तो जोड़ देंगे तो 7/9 हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा 7/9, तो यहाँ पे 7/9 कर देता हूँ, नीचे ध्यान मत दो ये मैं रफ किया हूँ इसके लिए, ध्यान दो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है 2.45 ऊपर बार है प्लस 0.36 ऊपर बार है, दोनों को ऐड करना है। देखो पहले तो मैं बताया ही था कि जो 2.45 सबको भूल जाओ और 245 लिख दो, लिख दिया बहुत अच्छा। अब दो के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है पता है ना, नीचे क्या करना है दो को 9 देना है, दो को 9 देना है, तो यहाँ पे एक और 9 लिखना होगा क्योंकि पता है ना दो पे है, तो लिख दिया। ठीक समझ आ रहा बात, 2 9 लिखा। अब जो समझने वाली बात है यहाँ पे 242 में 2 गया 243 होगा। ओके तो इसको मैं कर लिया, इसको मैं कर दिया, यहाँ प्लस करना होगा क्योंकि ऐड है ना, ध्यान दो। अब जो है ये 0.36 है, इसको मैं करूंगा 36/99 आएगा, दोनों को ऐड करूंगा 279/99 आ जाएगा। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, कैची से कैंसिल हो रहा है, 3 टेबल में 3 9 जा 27 होता है, ओके 9 बार में, और 3 3 जा 9 होता है, तो ऊपर 93 आ गया, नीचे 3 से 33 बार लग जाएगा, फिर मैं 3 से काटूंगा 31 बार में लग जाएगा, और ये 11 बार में लग जाएगा, 31/11 इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी पे लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, तो 11 - 7 क्या हो जाएगा 4। ओके तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या कर रहा है, कर रहा है -2 - √3 - 2 + √3, अरे सिंपल a माइनस बी a प्लस बी पे टूट रहा है। ठीक ध्यान दो, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और -3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में 3 गया 1 आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ध्यान दो, 4 में 3 जाएगा तो क्या आएगा आपका आंसर 1। ओके तो 1 क्या है, पॉजिटिव है और रैशनल है, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके समझ आ रहा है, आगे देखो आगे 6 + √7 - 3 + √3 1 - 2 √3, ध्यान दो समझिएगा अच्छा सा आएगा, ध्यान √27 को आप लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो 3√3। ओके अब ध्यान दो ये 6 + √27 नहीं समझ के 3√3 समझो, माइनस से जब ये टकराएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -√3। ओके -√3 और ये -2√3, तो -3√3 हो गया क्योंकि दोनों माइनस है, तो यहाँ पे +3√3 है और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो -3√3 आएगा, तो ये √3 और ये 2√3 और यहाँ पे जो है आपका 3√3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और +1 4 आ जाएगा, 4 क्या है पॉजिटिव है और रैशनल है, इसमें भी बी ही हो जाएगा। आगे देखो आगे अगर हम इसको बनाएंगे तो ये डिवाइड करना है, ये 3 से ये 5 बार में कटेगा, ओके कितना बार में 5 बार में, और ये √3 से ये √15 भी 5 बार में कटेगा, 5√5 इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ध्यान दो √20 × √5 करोगे तो √100 होगा, √100 चुका दो क्योंकि 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। ओके 40 देखो, 40 में यहाँ पे अगर मैं काटूंगा कट रहा है ध्यान दो, 4 से 1 बार में 4 से 3 बार में, ये भी कट रहा है 4 से 3 बार में और ये 4 से 9 बार, सॉरी 3 से 4 बार में कटेगा,
और ये 3 से 9 बार में काटना है, 3 से काटना है क्योंकि 3 से ही ऊपर कटेगा। तो यहाँ से यहाँ देख सकते हो एक तो आ गया 1 और नीचे 3 और यहाँ पे रूट 4 रूट 9 आया, तो रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 निकलेगा और 3 मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 9 लिख दिया। ओके समझ आया क्या आ गया 2/9 और 2/9 यहाँ पे है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं फटाफट देखते हैं। आगे जो है आपका वो है √10 × √15। तो इसका अगर हम देखें तो ध्यान दो, √10 को 5 × 2 लिख सकते हैं और √15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। दो दो 5 आया तो एक 5 बाहर निकलेगा और √3 × √2 √6 हो जाएगा। ओके 5 √6 इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज योर आंसर। ओके आगे चलते हैं, ध्यान दो एज कर रहा हूँ ताकि समझो बात को। तो आगे देखो अब ये है √32 + √48 / √8 + 12। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कैसे बनाएंगे, ध्यान दो √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, ध्यान दो। ओके और √48 को लिख सकते हैं 16 × 3, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2, √12 को लिख सकते हैं √4 × 3, ध्यान दो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी 4 परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब 32 को 16 × 2 क्यों लिखे, मेरा मन करेगा तो हम 8 × 4 भी तो लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों 8 और 4 लिखने में प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसा लिखना होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 परफेक्ट स्क्वायर है, साथ में अंदर में उसके साथ एक प्राइम होना चाहिए, तो 2 प्राइम, ठीक ना। ऐसा करना कि एक परफेक्ट स्क्वायर बाकी प्राइम आना चाहिए, दिमाग दे रहा हूँ आपको, ध्यान दो। उसी तरह 4 × 2 किया, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। अब ध्यान दो 16 का जो है मेरा 4 बाहर निकल गया, ओके बचा अंदर में क्या बच गया √2। ओके ध्यान दो फिर 16 का यहाँ पे देख सकते हो 4 बाहर निकल गया, अंदर में बच गया √3, समझो बात को। उसी तरह यहाँ देखोगे 2 बाहर निकल आया √2 बचा, 2 बाहर निकल आया √3 बचा। अब मैं क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 2√2 √3 बच गया, ये और ये नीचे कट गया तो आंसर आपका 2 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया 2, यहाँ देख सकते हो। देखते हैं 125 − 1/3, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो −1/3 है तो हम लोग माइनस को चेंज करके प्लस में करेंगे, नीचे आ जाएगा, और पावर 1/3 है तो 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, पावर 1/3, तो 5³ × 1/3, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा 5 1/5 इज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान दो। तो ये यही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे 7 × 8, 7 × 8 = 56 होता है, पता है पावर सेम इसलिए मल्टीप्लाई किया, बहुत बच्चा क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई किए हम भी करेंगे, देखो पावर सेम इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 45 पे। ओके 45 में क्या है 13 × 1/5, 13 × 1/3 कैसे बनाएंगे, ध्यान दो कभी भी पावर डिवीजन में डिवाइड में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो माइनस होता है, माइनस किए तो एलसीएम लेना पड़ेगा 15, 5 से 3 बार में 15 हो गया, और यहाँ आप देख सकते हो 3 को 5 बार पढ़ना है तो ऊपर भी हमको 5 बार पढ़ना है, तो 1 × 5 = 5 हो गया, 3 में 5 गया −2, 13 × −2/15 यही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके तो डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो आगे है 64 का पावर, देखो पावर 4 है, स्क्वायर रूट देंगे पावर 4 है, 1/4 of 64 − 2/2 कैसे बनाएंगे, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक, और पावर −2 है तो उसको वही लिख दो, और जो बाहर में है उसको रूट जो है 1/4 पावर है उसको वैसे ही लिख दो। अब देखो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पावर पावर मल्टीप्लाई आ जाता है तो −4 आ गया, क्या आ गया −4। इसको प्लस करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, नीचे लिख लिया 1/8 का पावर 4। अब यहाँ पे 4 है, जाहिर सी बात है कि ये 8 बाहर निकल सकता है क्योंकि इसके ऊपर भी 4 है, और यहाँ पे भी मान लो कुछ नहीं तो 4 है, तो 1 बाहर निकल गया और 8 निकल गया, ठीक, तो 1/8 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/8, क्या 1/8 ऑप्शन में है, हाँ है ए नंबर। ओके आगे देखो किसी पावर 0 किसी पावर 0 है, 1 हो जाता है तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, 2/1 2 ही कहलाएगा, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 243 / 1/5 है, और 243 पता है ना क्या है, 3 का पावर 5, तो 243 मेरा है 3 का पावर 5। अब देखो 3 का पावर 5 पर बाहर 1/5 है तो ये कट गया, बच गया क्या 3,
थ्री इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे है 9 का क्यूब होता है क्या, 729। 3 - 3 का क्यूब - 27, माइनस रहेगा इस साथ में, याद रखना ठीक, -27। आगे देखो, और -6 का क्यूब करोगे 216, यहाँ -6 का क्यूब है तो उसको 216 जब पूरा कर लोगे तो आपको 486 आएगा। ओके, तो आपका 486 इज योर करेक्ट ऑप्शन। डोंट वरी, आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन नहीं है ठीक ना, समझो सिर्फ। यहाँ देखो करा सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इसका और इसका क्या होगा, देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान दो 16 पावर -1/4 है और यहाँ 16 पावर 1/4 है, सिंपल है। यहाँ पे रूट है तो रूट को भूल जाओ ना, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1/4 है, इसको हटा के एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देना है 1/4 को, 1/4 ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हैं। अब देखो पावर ऐड हो जाएगा तो 1/-1/4 + 1/4 16 पावर 0 आ जाएगा और 16 पावर 0 क्या होता है, 1, पता है ना। आगे चलते हैं, ध्यान आगे क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू क्या होगा। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, देखो ये जितना भी दिया है वो आपको लिखने का क्या तरीका रखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो 2 का स्क्वायर जो था अंदर है ये 1/3 है ना पावर, तो ये 1/3 बाहर कर दो एक्सपोनेंट फॉर्म में और ये 1/4। अब ये पावर को मल्टीप्लाई कर दो, सबके सब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 = 12 और ऊपर 2, तो 2/12, तो 1 बार में ऊपर कट गया और यहाँ 6 × 2 = 2, 2 × 6 = 2, 1/6 आ जाएगा 2 पावर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 का पावर 1/6। आगे देखते हैं, आगे 25 पावर 1/3 और 5 पावर 1/3, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो 25 और यहाँ पे 5 है, समझना क्या है इम्पोर्टेंट, ये पावर सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो पावर सेम है, 25 × 5 = 125 होता है, मल्टीप्लाई करके 125 मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 मतलब कि 5 का क्यूब और 1/3, तो यहाँ पे 3 और 3 कट गया तो बच गया क्या 5, समझ आया बात। तो आगे चलते हैं फटाफट, आगे जो है आपका वो है कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 81 का पावर 1/2 81 1/2, तो ये 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा और 81 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 4, क्या लिख सकते हो 3 पावर 4 और ये आपका 4 कटेगा और 3 बच जाएगा, तो 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके ध्यान दो, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ नंबर x सच दैट x स्क्वायर इज इरेशनल, स्क्वायर करने पे इरेशनल आ रहा है, 4 पावर कर देते तो रैशनल आएगा, साइड की बात यही होगा, क्यों होगा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है और इसका 4 पावर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 1/4, सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे जो है आपका वो क्या है कि करना है x का वैल्यू √7/5 और 5/x जो है p√7 की इक्वल है, आपको p का वैल्यू बताना है। देखो समझो बात, तो लिखेंगे 5/x जो है p√7 दिया हुआ है ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस p को इस तरफ ही रखते हैं और √7 को साइड भेज देते हैं, तो √7 डिवाइड में पहुंच गया नीचे और p ऊपर ही है ठीक है ना, और x है। अब देखो यहाँ पे x है और x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है क्या √7/5, इसको बैठाना है, इसको लगाना है, तो √7/5 क्या, तो √7 × √7 = 7 हो गया और ये 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो दिख रहा होगा थोड़ा वो 25/7 है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके ध्यान दो 25/7। आगे ये है क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या करेंगे 256 जो है उसका 4 × 4 × 4 × 4 करेंगे 256 आएगा, लेकिन मन में ख्याल आपको आएगा ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे बाहर 1/4 दिखाई दिया, तो देखो मैं क्या किया 256 को 4 का पावर 4 लिख दिया। ध्यान दो, अब x पावर 16 है, x पावर 16 को लिख सकते हो x का पावर 4 का पावर 4, क्योंकि x पावर 4 का पावर 4 16 ही होता है, याद रखना। ऐसा क्यों कर रहा है आपको पता है, क्योंकि बाहर 1/4 है तो मुझे 4 करके कटवाना है दोनों को। ध्यान दो यहाँ पे 81 y 4 है, 81 को 3 पावर 4 दिख सकते हैं, y पावर 4 तो है ही ऑलरेडी, तो 3 y पावर 4, ध्यान दो समझ आएगा, तो ये 4 अंदर वाला 4 और बाहर वाला 4 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से ऊपर भी, तो क्या बच गया, क्या बच गया, बचा 4 x पावर 4 और 3 y और -1 ठीक, 4 x पावर 4 3 y - 1 माइनस है तो उलट देते हैं 3 y ऊपर 4 x 4 नीचे, तो b इज योर करेक्ट ऑप्शन, 3 y ऊपर 4 x 4 नीचे। अब देखो
सब में एक्स है, सब में क्या है 57 एक्स। तो आपको पता है जब बेस एक ही जैसा हो ऐड करना रहता है, ऐड करेंगे देखो ये प्लस में है पी और ये पी माइनस में कैंसिल, ये आर प्लस में है और ये आर माइनस में कैंसिल, ये पी प्लस में, ये क्यू प्लस में और ये क्यू माइनस में कैंसिल, तो एक्स पावर जीरो इक्वल टू वन। उसी तरह यहाँ देखेंगे ये माइनस वन है मतलब नीचे जाएगा, तो नीचे ऊपर कटता है पता है, ये पी नीचे और ये पी ऊपर कटा, ये क्यू ऊपर और ये क्यू नीचे कटा, ये आर ऊपर और ये आर नीचे कटा, ठीक बच गया वन। ठीक आगे समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दो, देखो टू है, टू का वन बाय थर्ड है, टू का वन बाय फोर्थ है, 32 का वन बाय ट्वेल्थ। पहले तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। देखो यहाँ देख सकते हो टू का वन बाय थर्ड था तो मैं उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, टू का वन बाय फोर्थ था तो उसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में यहाँ लिख दिया। ध्यान से देखो ये 32 का पावर 1 बाय 12 है तो उसको भी मैं लिख दिया। अब देखो 32 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो बाकी दो 22 है नीचे में लेकिन यहाँ पे 32 है, तो आप 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5। अब देखो बाहर 1 बाय 12 है, 32 को 2 का पावर 5 लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का पावर 5 बाय 12। अब देखो सब 2 है, बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लो और पावर जितना है सबको ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे पावर 1 बाय 3 है, 1 बाय 4 है, 1 बाय 5 है, 1 बाय 12, 5 बाय 12 है, तो नीचे सब अलग अलग है तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा। ओके अब देखो कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, तो 1 को भी आपको कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा 4 बार, 4 आ गया। ध्यान दो उसी तरह 12 को लाने के लिए 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को भी 3 बार करना होगा, तो कर लिया तो 3 आ गया आपका। ठीक ध्यान दो आगे 2 को 6 बार करोगे, ठीक नहीं सॉरी 12 को 1 बार करोगे 12 आएगा, तो 5 का 5 ही हो जाएगा, तो 4 3 7 5 प्लस 5 12 हो जाएगा, तो 12 बाय 12 में देखोगे 12 12 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1 आ गया। अब 2 का पावर 1 2 ही होता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी देखो आगे मैं आपको समझा रहा हूँ आगे कैसे बनाना है। आगे जो है 16 और क्वेश्चन करा, ये जो है ये इसके इक्वल है, बताओ एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ओके तो मैं क्या किया, ये 3/2 था लेकिन ये 2/3 था, मेरे मन में आइडिया आया कि चलो इसको उलट देते हैं 2/3 को 3/2 बनाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि बगल वाला भी 3/2 था तो बेस एक जैसा होगा तो और ऐड कर देंगे, तो उलटने के लिए तो अपने मन से कर नहीं सकते, तो मैं जान उसके इधर माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया माइनस, तो यहाँ पे 3/2 कर दिया, 2/3 ही है बाबू ये, जिसको मैं 3/2 करके यहाँ माइनस लगा दिया और 3/2 इंटू 2x है पावर में, पावर में 2x है। ओके ध्यान दो तो अब बेस एक जैसा हो गया पावर ऐड हो जाएगा है ना, तो 2x प्लस माइनस एक्स जो है 2x में x गया तो x हो जाएगा, तो 3/2 पावर x दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन अच्छे से देखो दिखेगा नजर आएगा, 3/2 पावर x हो गया है ना, समझो बात। और यहाँ पे देखोगे कि 81/16 था तो मैं भी सोचा कि इसको भी 3/2 के फॉर्म में लिखता हूँ, जिसको मैं 3/2 का 3/2 लिख दिया, ऊपर 4 नीचे 4, ठीक समझो बात, और मतलब कि 3/2 का पावर 4, ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू 4 आ गया मेरा, तो एक्स इक्वल टू 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये 4 हो गया। आगे देखो आगे जो है ये इसको देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है समझ आएगा। देखो क्या है 3 का स्क्वायर, मैं इसको लिख दिया 3 का क्यूब था, 3 का स्क्वायर कहाँ से आ गया, बच्चे कंफ्यूज। देखो मैं क्या किया, इस 2 को अंदर बुला लिया और इस 3 को मैं बाहर कर दिया, ध्यान दो और कुछ नहीं किया। देखो 3 अंदर 2 अंदर 3 बाहर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का पावर 3 समझो है ना, 9 पावर 3 और 9 पावर x, 9 9 कैंसिल हो जाता है, इस तरफ इक्वल टू साइड रहता है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। कहाँ है लेकिन मुझे पूछ क्या रहा है, x का वैल्यू पूछ नहीं रहा मुझे, 5 का पावर x पूछ रहा है, तो 5 पावर x क्या होगा ध्यान दो, 5 का पावर x मतलब 5 का पावर 3 क्योंकि x 3 है, 5 पावर 3 125 आएगा, 125 यहाँ पे देख सकते हो ये 125 हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 62 जिसको सिंपलीफाई करना है। देखो बहुत अच्छे से किया, 5 पावर n प्लस 2 है तो मैं इसको क्या किया 5 पावर n इंटू 5 पावर 2 क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा, उसको मैं तोड़ दिया, अभी जोड़ने की जगह तोड़ दिया, उल्टा काम कर रहा हूँ ध्यान दो। 6 है, 5 पावर n प्लस 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, बेस सेम करके मैं इसको तोड़ दिया, ठीक ना, तोड़ने आता है जिसे जोड़ते हैं वैसे ही तोड़ते हैं, उसी तरह नीचे भी तोड़ा, नीचे तो वही 5 पावर n है, 5 पावर n
और यहाँ 5 पावर n+1 है, जिसको तोड़ के 5 पावर n × 5 पावर 1, ध्यान दो। अब मैं क्या किया, ऊपर भी 5 पावर n है, नीचे भी 5 पावर 1 है, 5 पावर n कॉमन लेके कैंसिल करवा दिया, ध्यान दो। ये 5 का पावर n, ध्यान दो मैं काट रहा हूँ, ये 5 पावर n, ये 5 का पावर n कॉमन हुआ और नीचे वाला को कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 6 × 5 30, 25 − 30 लिख दिया। इसी तरह यहाँ देखोगे कि 13, ये 5 पावर n कैंसिल है बाबू, यहाँ कैंसिल हो के, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल है, तो 13 × 10, तो यहाँ पे बच गया 5/3 और यहाँ 25 में से −30 करोगे तो −5 हो जाएगा, −5/3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ओके ध्यान दो। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 60 है और उसका 63, 64 तो कह रहा है, ध्यान दोगे समझ आएगा, कह रहा है कि इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो रेशनलाइज फैक्टर वही होता है जो उसको इरेशनल से रेशनल बना दे। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 तो 1000 बन जाएगा, 1000 किसका क्यूब है, 10 का, मतलब कि मेरा 10 बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके आगे चलते हैं, आगे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ माइनस दिया तो प्लस कर दो, वही आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मतलब कि 2√2 + √3, ठीक। आगे है किसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर वही होता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 − √5 दिया, सिंपल इसको प्लस कर देना है, ठीक, और इसे मल्टीप्लाई कर देना प्लस करके, क्या है 2√3 + √5, लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 2√3 + √5, नहीं, तो जरा सोचो ना, नहीं दिख रहा, कुछ और लॉजिक लगाओ, इस 2 को अंदर कर दो, तो अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 2n + √5 ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, हाँ, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, थोड़ा घुमा के दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना, उस 2 को अंदर कर दोगे तो 4 बन जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब जो समझने वाली बात है, ये जो आगे चलते हैं, करा इसका क्या होगा रेशनलाइजेशन, सिंपल है कि यहाँ √5 + √2 है, तो √5 − √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखोगे कि ऊपर √5 − √2 हो जाएगा और नीचे a + b a − b पे टूट जाएगा, तो a − b आ जाएगा, 5 − 2 हो जाएगा 3, तो √5 − √2 / 3, ओके समझा कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे 67 नंबर, तो करना क्या है कि 2 + √3 दिया हुआ है और x + 1/x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 2 + √3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x क्या होगा इसका हम शॉर्टकट जानते हैं कि प्लस के जगह माइनस कर दो, वही 1/x होता है, ये मैं ट्रिक बता चुका हूँ। अब ऐड करो, ऐड करोगे क्या होगा, x का वैल्यू 2 + √3 और 1/x का वैल्यू 2 − √3, तो यहाँ पे देखोगे ये √3 प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया और 2 और 2 क्या बच गया, 4, 2 और 2 क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे आ गया 4 कहाँ पे, ये ओके 4। अब समझो बात को, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 68, ये भी बहुत ईजी है, करा 1/3 √2 √2 का वैल्यू क्या होगा, तो रेशनलाइज करोगे ऊपर 3 − √2 करोगे, ओके करोगे तो क्या आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो 3 − √2 √2 आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, मैं करके आपके लिए रखा हूँ, इसको देख लो अच्छे से समझ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 − √2 √2 और नीचे क्या आएगा, कुछ नहीं, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चल, आगे जो आपका 69, इसमें भी x का वैल्यू दिया हुआ है, x + 7 + 4√3 और 1/x का वैल्यू दिया है, पता है 1/x क्या होगा, माइनस हो जाएगा सिंपली, तो देखो यहाँ पे 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 − 4√3, तो यहाँ पे +4√3 कट जाएगा, 7 + 7 = 14 आ जाएगा, डायरेक्ट मन में कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.41 दिया, 1/√2 निकालना है, तो करना क्या है, रेशनलाइज कर लेना है, ओके और जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, देखो मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूँ, 1.41/2 आएगा और उसका जो वैल्यू निकाल लोगे आप कैलकुलेटिंग करके, 0.705 आ जाएगा, ओके तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, √7 का वैल्यू दिया है 2.646, 1/√7 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह आप भी रेशनलाइज करोगे वैल्यू आ जाएगा, ओके ध्यान दो ये, ओके ध्यान दो, करना क्या है, √7/7 रेशनलाइज किया तो √7 वैल्यू 2.646 दिया और 7 से डिवाइड करना, इस डेसिमल को फिलहाल मैं हटा रहा हूँ
और 7 से जब डिवाइड करोगे 378 बार लगेगा, नीचे डेसिमल हटा 1000 में किया। अब इस डेसिमल और फिर ये फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में किया 0.378 आ गया, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो पहले कराए कि जो देखो एक्चुअली मैं 40 मिनट बोला था, लेकिन कम से कम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, तो 50 मिनट ले रहा हूँ, वो भी कम नहीं है। 82 से ज़्यादा क्वेश्चन 50 मिनट में बहुत ही बड़ी बात है, ठीक। ध्यान दो, तो √3 - √2, अगर मैं बात करूँ उसको लिखना है कुछ ऐसे फॉर्म में, तो मैं दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, √3 को मैं लिख दिया 2+1 अंदर में, बस 3 है अंदर में, 3 है रूट के अंदर, 3 है, ठीक ना। 3 को 2+1 लिख दिया, -2√2 है। अब मैं लॉजिक लगाया कि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a² + b² - 2√2 मतलब ए बी पे फॉर्मूला पे सेट हो गया। क्या समझ आया कि √2 + 1 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर जब खत्म होगा तो √2 + 1 ही बच गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √2 + 1। ओके, सी इज योर नंबर करेक्ट ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं, ये है और इसमें प्लस दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही तोड़ना होगा। इसमें तो ए माइनस बी पे तोड़ दिए, सॉरी यहाँ ए माइनस बी पे तोड़े थे, किस पे तोड़े थे, ए माइनस बी पे, तो जाहिर सी बात है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। मैं बता दिया क्यों गलती किया, मैं समझा भी दिया, ठीक। यहाँ पे मैं गलती से प्लस कर लिया हूँ और एक्चुअली मैं यहाँ माइनस किया था, यहाँ पे आप माइनस कर लेना, दिस इज वेरी स्मॉल मिस्टेक बाय मी। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन आप क्या कर लोगे, डी। आगे देखो, आगे इसमें प्लस है तो मैं ए प्लस बी पे तोड़ने वाला हूँ, दिमाग लगा के ध्यान दो। तो इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर + 2। देखो मैं कैसे लिखा हूँ, ध्यान दो, पहले मैं 2+3 कर लिया 5 को, फिर √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर किया। क्यों मैं 2+3 किया, क्योंकि अंदर में मुझे √6 दिखा, और √6 कब आएगा, 2 3 6 होता है, इसलिए मैं ऐसा किया। और यहाँ पे मैं करूँगा तो यही चीज़ पर टूटा, √2 + √3 का होल स्क्वायर √3 + √2, आंसर आपका आ जाएगा। तो ध्यान दो, यही आपका आंसर हो गया √2 + √3। आगे अगर बात करें इसका, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, √2 - 1 से प्लस है तो माइनस से करेंगे, और ये कुछ आ जाएगा √2 - 1, और √2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे 1.414 - 1 आएगा 0.414। देखो अगर दिक्कत आ रहा है वीडियो पॉज कर लो, मैं पॉज करने से तो मना किया नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं तो दिक्कत आएगा, है ना। तो 0.414 हो गया, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू दिया है और ये x² + 1/x² निकालना है, ध्यान दो बनेगा, आसानी से बनेगा। ध्यान दो, x² + 1/x² को लिख सकते हैं x + 1/x² - 2, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, लेक्चर देख लेना पता चल जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब x + 1 x का वैल्यू दिया है मुझे, क्या 6, क्या दिया है 6, प्रयोग कैसे, 1/x का कोई वैल्यू ही नहीं दिया मुझे, तो दिया x का वैल्यू, समझो बात को, मैं समझा रहा हूँ। x वैल्यू 3+√8 है ना, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा आपको पता है ना, क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, यही चीज़ माइनस में होगा, 3 - √8 आएगा, और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 6 हो गया, तो यहाँ पे देखोगे 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना, क्योंकि x + 1/x का वैल्यू 6 आया, 6² - 2, 6² 36 होता है, -2 तो 34 आ गया, तो 34 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो पहले मैं यहाँ टिक कर दूँ, ध्यान दो 34 हो गया। फटाफट 76 है जो वैल्यू है, क्या कि 3 rational number between 2/3 and 3/5, ये बता दिया ये होगा, ठीक, तो सही बताया है, आप वेरीफाई कर लो, ठीक, करके देखो यहाँ पे इसको 20 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, तो दोनों के बीच में यही आता है। रीजन क्या दे रहा है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर पी क्यू इज गिवेन बाय 1/2 p+q, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही फॉर्मूला बताया था, तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, याद रखना 4 केस बनता है, अगर assertion और रीजन दोनों सही है तो आपको a टिक करना होगा, ठीक, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करे तब a टिक करना होगा। अगर ये assertion जो है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, उस केस में हम लोग b को चूज करेंगे, उस केस में जब दोनों का रिलेशन नहीं है। अगर assertion सही है रीजन गलत है तो सी, assertion सही assertion गलत है रीजन सही है तो डी। तो चलिए पहला में देखें क्या कि कलेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है कि
रूट थ्री क्या है, ध्यान दो, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान दो, सही बोला कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इरेशनल नंबर होता है, मतलब एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही बता रहा है कि इसलिए जो है रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर, ये बता दिया क्योंकि स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी यही होगा क्योंकि रीजन अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया एसर्शन को। अब कह रहा है इज इरेशनल नंबर एसर्शन, रीजन कह रहा है पाई इज इरेशनल नंबर। भाई ये भी सही है, याद रखना अगर आपको नहीं पता है, ई है जो एक इरेशनल नंबर होता है और पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, दोनों सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इस केस में बी होगा, इस केस में बी होगा। अब ध्यान दो, रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर, और कह रहा है द सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सही बताया, सही बताया, रीजन सही बताया, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं किया, एसर्शन कुछ और लेकर बैठा हुआ है, रीजन कुछ और कह रहा है, लेकिन दोनों सही बात है, सही बात दोनों हो तो बी, अगर एक्सप्लेनेशन सही से कर देता रीजन मेरा एसर्शन का तो ए होता। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, मैं लेकिन करवाऊंगा ताकि आपको सब चीज का प्रैक्टिस हो। 18 नंबर क्वेश्चन में मैच द कॉलम है, तो चलिए कैसे बनाना है ध्यान दो, 6.54 है तो ये कैची से मैच करेगा, आपको अच्छे से पता है इरेशनल नंबर होने वाला है क्योंकि ये परम बार है, पाई जो है आपका पाई के इरेशनल नंबर है। ओके, द लेंथ ऑफ 1/7 ऑलरेडी निकाल लिए, 6 आया है और लास्ट में जो बचा वो कर दो, एक्चुअली मैं आप उसको बना भी सकते हो लेकिन मैं एक ऑप्शन ही बचा तो मैं कर दिया डायरेक्ट। अब 81 बनाते हैं, 81 में देखो क्या करना है, 81 पहला जो है 81 का पावर -2 पावर 4 है, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 का पावर -4 हो जाएगा। ओके, अब बाहर में 4 है तो मैं डायरेक्ट इस रूट को 1/4 को कैंसिल करके कर दिया, -1 बचा और यहाँ पे 1/9 आ गया। ओके, उसी तरह अगर मैं करूँ तो इसका मेरा क्या आ गया वैल्यू, 1/9। ध्यान दो, उसी तरह मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे a by b x minus 2, b by a x minus 4, इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या लॉजिक लगाया कि यहाँ देख लो कि a by b का पावर x minus 2 है, इसको a by b का पावर -4 माइनस x लिख लिया, 4 माइनस x ऐड किया, फिर मैं इसको उलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करने पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 माइनस x हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो x minus 2 इज इक्वल टू 4 माइनस x, यहाँ आप देख सकते हो, और इस x को मैं इस साइड लेके आ गया तो 2x हो गया और ये -2 को मैं उस साइड भेज दिया, 6 हो गया, 2x इक्वल टू 6 और x का वैल्यू x 3 आ जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा b का 3। ध्यान दो, समझ आ रहा है बात, आगे देखो c नंबर बनाते हैं, समझ आएगा, ध्यान दो, c में क्या करना है, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, देखो हमको यही पूछ रहा है कि x का वैल्यू 9+4√5 है तो √x माइनस 1/√x निकालो, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है कि चलो हम होल स्क्वायर ही निकाल देते हैं, ऐसा क्यों पता चलेगा, रुको ना बताते हैं, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x प्लस 1 क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर x आएगा और 1/√x होल स्क्वायर प्लस 1/x, फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जगह से -2 आएगा और ये कैंसिल ही हो जाएगा, ए ऊपर में प्लस में है, देखो ए ऊपर में बी नीचे में, कैंसिल ही होगा, तो सिर्फ मैं यहाँ पे 2 ही लिखा, समझ आ रहा बात, समझो बात को, बात समझोगे समझ आएगा। x का वैल्यू जो दिया है क्या दिया है, 9+4√5 और 1/x का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ माइनस लगाना रहता है पता है ना, और ये -2, ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया, 9 9 18 18 में 2 गया 16 आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 16 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, उसको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको रूट कर दोगे, 16 के अंदर रूट लगा दोगे, 4 आ जाएगा बाहर, तो 4 आपका करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है, मैं 1/1 सॉल्व कर रहा हूँ और समझ आएगा, ध्यान दो। आगे है आपका ये डी नंबर, तो डी नंबर जो बचा हुआ ही होगा, कौन सा लॉजिक लगाना है, कौन सा लॉजिक लगाना है, डी क्या बच गया, जो बच गया वही आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इतना ही क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत ही टफ ही क्वेश्चन था कुछ कुछ, तो मैं सबको कराया बहुत ही कम टाइम में, इससे कम टाइम में आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर क्लासमेट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। ओके।